Good morning, dear children. How are you all? This is your English class. First, let us start our prayer. Join your hands, close your eyes. Tumi ho mata, pita tumi ho, tumi ho bandhu, sakha tumi ho. तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंधु सखा तुमी हो प्रभु जी हमको देना ज्ञान पढ़ लिख कर हम बने महान माता पिता की सेवा करके दुखियों का करे कल्याण तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंधु सहा तुमी हो डियर चिल्ड्रन आप सब कैसे हो अच्छे हो मैडम को क्लास आप लोगों को अच्छा लगते है कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना वेरी गुड और आज हम फिर से लेटर सीखेंगे और पिछले क्लास में मैडम ने क्या क्या पढ़ाया याद है ए बी सी डी ई एफ वंस अगेन ए बी सी डी ई एफ सिक्स लेटर हम याद करा आज हम कौन सा लेटर याद करेगा जी बीजी लेटर जी बच्चों जी लेटर कौन सा लेटर का बाद में आता है एफ एफ लेटर के बाद में जी लेटर आता है बीजी लेटर जी सब जोर से बोलो जी हाँ वंस अगेन A, B, C, D, E, F, G. आज हम G लेटर और G लेटर्स का वर्ड्स याद करेंगे Are you ready? Look in the board. Which letter is this? G. G. G for gun. G for gun. Gun means क्या है बंदूक बंदूक देखा ना G for gun. G for gun. अब next G for grapes. G for grapes. Grapes means क्या है अंगूर अंगूर मालूम है ना क्या है इसी हम सब खाते हैं ना अंगूर अच्छा लगता है ना खट्टा मीठा लगता है और G for grapes grapes means अंगूर अब next G for goat G for goat goat means बकरी Goat means bakri. Up next, G for grass. G for grass. G for grass. Grass means grass. Grass means grass. Grass देखते हैं आप खेत में देखते हैं ना उसको grass को English में grass बोलता है समझ में आ गया पढ़ सके G for gun. G for gun. G for grapes. G for grapes. G for God. G for God. G for grass
G for grass. Dear students, let us revise all letters once again. A, B, C, D, E, F, G. Once again, A,